कनैक्ट एफ एम कैनेडा दे विच तुहाडा स्वागत है। मैं मनप्रीत रंधावा। भारत की सियासत होवे ते जाहे होवे पंजाब की राजनीति सीडीज़ नूं लैके या पेन ड्राइव्स नूं लैके सियासत ते राजनीति दे विच पूरा भुचाल आया होया। चाहे तुसीं गल कर लो मध्य प्रदेश की, उत्थे एक केंद्र दे मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर, जिहड़े साडे कृषि मंत्री भी आ, एग्रीकल्चर मिनिस्टर कह लो, खेतीबाड़ी दे मंत्री कह लो, उन्हां नूं भारतीय जनता पार्टी ने जिम्मेवारी दित्ती आ कि जाके मध्य प्रदेश तो चोण लड़ो, तो जे तुसी जित गए तो तुहानूं मुख्यमंत्री बनावांगे। शिवराज सिंह चौहान नूं हुण मुख्यमंत्री बनाउण दी साडी इच्छा नहीं है, पर हजे वह अपनी प्रचार या अपनी कैंपेन शुरू ही करदे आ। उन्हां दे मुंडे दीआं धड़ाधड़ सीडीज़ आउण लग जांदीआं, जिहदे विच उन्हां दा मुंडा दविंदर प्रताप सिंह तोमर कथित तौर पर पैसे दे लैण देण की गल कर रहा, तो विरोधियों होर की चाहिए? चोणां सिर ते होण ते इस तरह की सी डी आ जाए तो फिर कोई पिछे रहिंदा? यह सारा मामला है की आ, ये आपां समझण की कोशिश करांगे ते नाल ही गल करांगे। बिक्रम सिंह मजीठिया श्रोमणी अकाली दल दे ओ लीडर आए दिन प्रैस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आए दिन नवे नवे मुद्दे चकते हैं, तो इस बारी उन्होंने एक पेन ड्राइव फड़ी हुई है, कई दिनों तो लई फिरदे आ, कहिंदे मेरे कोल आ एक पेन ड्राइव आ, बड़ी कोशिश की पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं देण दी, भगवंत मान नूं लैंदे नहीं, दिवाली दा गिफ्ट आ कहिंदे लई नहीं रहे, पर मैं देना जरूर आ। हुण हार के उन्होंने प्रैस कॉन्फ्रेंस की आ, कहिंदे इस पेन ड्राइव दे विच एक मंत्री दी, एक खासम खास कैबिनेट मंत्री दी बड़ी कोई अश्लील वीडियो आ, सैक्सुअल कंडक्ट वाली वीडियो आ, तो कहिंदे मैं चाहुंदा कि इसकी सारी जांच खुद मुख्यमंत्री करवाउण ते फिर इस ते कार्रवाई करन, ते जे कार्रवाई नहीं करदे उस लई भी वह तैयार आ कि जे कार्रवाई ना कीती तो असी अगला कदम चुकांगे, पर उन्हां दा अगला कदम की होगा इस बारे उन्होंने कोई पत्ते नहीं खोले। भारत के कृषि मंत्री ने नरेंद्र सिंह तोमर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, और मैनू लगता पंजाब दे नाल या खेतीबाड़ी दे नाल या किसानी दे नाल कोई भी जिहड़ा व्यक्ति जुड़िया होगा, और खास तौर पर किसानी अंदोलन दे नाल, उसने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम जरूर सुनिया होया। तुसी याद करो जो तो सन 2020-21 दे विच किसानी अंदोलन पूरे जोरां ते सी, पूरा सरगर्म सी, ते यही नरेंद्र सिंह तोमर की अगवाई दे विच भारत सरकार किसानां नाल गल कर रही सी। 11 बैठकां इन्हां ने कीतियां सी, तुसी याद करो जो तो दिल्ली दियां बरूआं ते किसान बैठे सी, पर सारे दियां सारियां बैठकां नाकामयाब रहियां सी। इहदा बाद दे विच भारत दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो खेती कानून वापस लै ले सी। खैर वो एक वक्री कहानी आ। वापस चलदे आ नरेंद्र सिंह तोमर ते। नरेंद्र सिंह तोमर की बड़ी इस बारी ड्यूटी ये लाई या जिम्मेवारी ये लाई भारतीय जनता पार्टी वालों, क्योंकि मैं ये जरूर दसदा कि नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश के विच जरूर हरमन प्यारे ने, उत्थे हजे तक इन्हां दी राजनीति नूं बिल्कुल साफ सुथरा समझा जांदा। इस करके इन्हां दी ऐतकी ड्यूटी लगी कि तुसीं जाके मध्य प्रदेश तो चोण लड़ो। दिमनी नाम की एक चोण कॉन्स्टिट्यूएंसी आ, या एक चोण हलका जिहनूं आपां कह लईए, यह मोरेना जिले के पैंदा मध्य प्रदेश के। और ये भी साड़ी जानकारी आ कि नरेंद्र सिंह तोमर नूं बल्कि इत्थों तक कहता गया कि जे तुसी चुने गए या जित गए तो जे भारतीय जनता पार्टी ने उत्थे बहुमत बना लिया तो मुख्यमंत्री तुहानूं बनावांगे। वो खुशी खुशी चले गए, मेहनत करन लग गए। हालांकि ये भी गल आ कि शिवराज सिंह चौहान जेड़े उत्थे लगभग 18 सालों तो मुख्यमंत्री ने, वो किदां बर्दाश्त कर सकते हैं? तुसीं देखो नरेंद्र सिंह तोमर जदों अपने चोण प्रचार दे विच रुझ जांदे ने या चोण प्रचार नूं तेज़ कर दिंदे ने, ते नवंबर दे पहले हफ्ते एक सीडी आउंदी आ, सीडी आउंदी आ इन्हां दे मुंडे दी, दविंदर प्रताप सिंह तोमर दी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दे विच उन्हां दा कोई खास अहुदा नहीं आ जिहनूं आपां कह लईए कि अधिकारिक तौर पर कोई उन्हां दा अहुदा, और इस दे विच दविंदर सिंह तोमर ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੇ ਹਮੇ ਦੇ ਦੇਂਗੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੇ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਨਕੋ ਕਿਆ ਹੈ ਭਈਆ, ਇਨਕੇ ਪਾਸ
एवरी मंथ उनका सीए हमें बताएगा कि 50 सीआर है, 100 है, 500 है, कितना है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो एवरी मंथ लेना है। नो प्रॉब्लम। अभी पहले मंथ में कितना देंगे? पहले में मैंने उनको 250 बोला है। ठीक है, ये सीडी पहली आती है। जिस तरह ही सीडी आती है, रौला पै जाता, कांग्रेस को एक तरह का हथियार मिल जाता। वैसे तुम्हें दविंदर प्रताप सिंह तोमर बारे मैं दस भी देव कि जिहड़ी उतों की हॉकी इंडिया दे एसोसिएट वाइस प्रेजिडेंट ने, तो मध्य प्रदेश के मिक्सड मार्शल आर्ट्स उन्होंने भी इन्हों की शमूलीयत आ। खैर, पर भारतीय जनता पार्टी दे कोई अहुदेदार नहीं आ। इस दे बावजूद इन्हां दी सीडी आउंदी आ, उहदे विच करोड़ां दा लैण देण हुंदा, ते उस तो बाद इल्जामां दी जिहड़ी लड़ी आ उह लग जांदी आ। कांग्रेस सब तो पहला मुद्दा चक लैंदी आ। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो कॉल पर 100 करोड़ एक वीडियो में और 500 करोड़ की हेरा फेरी, कैसे हवाला आएगा, किस अकाउंट में जाएगा, कितने अकाउंट खुलने, इस सब की चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। भाजपा ने अभी तक यह कहकर खारिज किया कि यह झूठा वीडियो है। सत्य का पता लगाना एजेंसी का काम है, भाजपा ब्रह्मवाक्य नहीं बोल रही है। हम बार बार कह रहे हैं, एक वीडियो आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सामने सामने कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर एक बिचौलिए से फोन पर बात कर रहे हैं, 100 करोड़ 500 करोड़ की डील कर रहे हैं। हमें तो लगा 500 करोड़ की डील हो रही है। अब एक वीडियो सामने आया है और ये व्यक्ति जो अपने आप को जगमनदीप, कांग्रेस प्रियंका गांधी ने कहा कि देखो जी सीडी आ गई आ, इहदे विच एक भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्री है, तो उहदा मुंडा पैसे लैंदा होया कथित तौर पर दिखाई दिंदा। वीडियो वायरल हो जाती है, हालांकि जिहड़ा मीडिया दे विच इहदियां गल्लां नहीं हुंदियां, पर सोशल मीडिया पर हो जाती है। आखिरकार नरेंद्र सिंह तोमर नूं भी बोलना पैंदा। उन्होंने केवल एक ही बयान दिता, कहिंदे मैनू वीडियो फैब्रिकेटिड लगती है, यानी कि इहदे नाल छेड़छाड़ हुई है। ये छेड़छाड़ हो भी सकती है, इहदे विच कोई दो रावां नहीं। कई तरह दीआं वीडियोज़ आउंदियां ने, कई ओरिजिनल हुंदियां ते कई फेक भी हुंदियां। इस तो अलावा उन्होंने जाके एक केस भी दर्ज करवाता कि मैं इस दे खिलाफ जांच की मंग करदा, ता कि इस वीडियो की फोरेंसिक जांच होवे ते पता लगे कि इस नाल छेड़छाड़ हुई है। इस तो पहला कि इहदी जांच हुंदी, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने अपना मैनीफेस्टो, मध्य प्रदेश का मैनीफेस्टो रिलीज़ करना सी। हुण तुसीं आप सोचो, जेड़ा व्यक्ति उत्थों दा मुख्यमंत्री बनन दा दावेदार होवे, जदों ये मैनीफेस्टो रिलीज़ किया गया उत्थे मौजूद ही नहीं सी, उत्थे वो हाज़र ही नहीं सी। इस दे विच नरेंद्र सिंह तोमर नूं शामिल ही नहीं किया गया, क्योंकि इस तो पहला प्रियंका गांधी इस सीडी की जांच की मंग कर चुकी सी, इस करके रौला पै गया। कई लोगों का तो वैसे ये भी कहना कि ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरलियां ने लीक करवाई है। सारी तुसी देखो समा पिछे चले जाओ, सारा इतिहास दे विच चले जाओ, मध्य प्रदेश के 19-20 साल तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आ, ते केंद्र दे विच 10 सालों तो लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो सीडी बनाऊगा कौन। सो इस करके कहिंदे अंदरलियां ने बनाई आ, ताकि जे नरेंद्र सिंह तोमर का कल नूं दा लगता भी है मुख्यमंत्री का बनदा, तो वह बन ना सकन। खैर, अपनिया अपनिया कयास राई ने अगे चलते हैं। हजे इस सीडी का रौला खत्म भी नहीं सी होया। दो दिन पहला एक होर सीडी आ जाती है और उस दे विच इस तो भी वध संगीन इल्जाम हुंदे ने, और इहदे विच भी यही दविंदर प्रताप सिंह तोमर वो इहदे विच गलबात कर रहा हुंदा, और इहदे विच माइनिंग नूं लै के कथित तौर पर सौदा चल रहा हुंदा लगभग 500 करोड़ का। इत्थे गल्लां हो रही हुंदियां ने। जिहड़ी पहली सीडी आई सी, सारे ये कह रहे सी कि क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर दे महकमे दे नाल कोई संबंध नहीं आ, इस करके सीडी विच है की आ। पर हाँ, खेतीबाड़ी मंत्री बनन तो पहला नरेंद्र सिंह तोमर खान मंत्री सी, यानी कि माइनिंग दे मिनिस्टर सी केंद्र दे। सो इस करके जिहड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरस्ट जिन्हों आपां कहने आ, वो तो पैदा हो ही जांदा। खैर, अगे चलते हैं। इसे सीडी आने तो बाद एक होर सीडी आती है
और ये सीडी आउंदी आ कैनेडा का एक रेजिडेंट है एबसफोर्ड दे विच ओ रहिंदा जिहदा नाम है जगमनदीप सिंह। जगमनदीप सिंह इस सीडी दे विच ए खुलासा करदा कहिंदा ये जिहड़ी सीडियां आईयां मैनूं तां कहिंदा पहलां पता ही नहीं सी हुण मैनूं पता लगा कहिंदे ये तां वायरल ही बहुत हो गईयां। वैसे वो दावा ये कर रहा कहिंदा ये जिहड़ियां वीडियोज़ आ ये मैं बनाईयां ये मेरे सामने बनियां ते जिहड़ियां ये डील्स होईयां ने ये मेरे सामने होईयां कहिंदे ये 500 करोड़ की तुसीं गल ना करो। ये खुद जगमनदीप सिंह कह रहा कहिंदे 500 करोड़ तां कुछ भी नहीं ये तां 10,000 करोड़ तक का मामला जाऊगा। दोस्तों सभी को नमस्कार, मेरा नाम जगमनदीप सिंह है, मैं कनाडा एबसफोर्ड में रहता हूँ। दो तीन दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे, 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज़ है वो मेरी है। और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं, वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ, 35826 साउथ पैरेलल रोड, वहाँ पे बना हुआ है। मैं उसका उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूँगा। उसमें जो बात है वो सही है, वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में, तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया, 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मैनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ मैं ब्लूबेरी की और भांग की गांजा की खेती करता हूँ, तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम ज़रूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई फ्रेंड बने तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनैडो का कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है, 778-208-8600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया। वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी मेरा जो पिछोकड़ है पास्ट है, मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए, अकाली पेप्सू अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं किया तो कनाडा शिफ्ट हो गया। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा घूमता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी, उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था, और गुरुद्वारे के पैसे पक कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता तो वो जमा हो जाता था, वो वायर जो होती थी वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था। ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आप आपको नज़र आ रहा हो तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको घुमा के मंत्री जी के बेटे को दे दिया जाता था। ये आईसीआईसी बैंक की सारी वायर डिटेल्स है। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी ये पत्थर की जो होती है खान उनकी होती है,
ये देखिए, ये मनेडो का है, जो मनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मनेडो का टेक्स्ट है। और इसमें मैं आपको, अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके उनके साथ चैट है मेरी। ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू ब्रंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। दूसरा उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है, मैं वो पार्सल की भी, अच्छा वो पार्सल किस चीज़ का है, वो मेकअप के सामान और भांग का, गांजा का पार्सल है, और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। और जो वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए आप, ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है, और इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली, लेकिन वो लोग जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन लेते थे, कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी ठेका है। तो गुरुजी जो कहना, वो मेरा एक तकिया कलाम है, गुरुजी कहना जो कि ये एड्रेस दिया उन्होंने कि पार्सल इस एड्रेस पे भेज दीजिए। जगमनदीप सिंह ने एक बहुत ही संजीदा ते सनसनीखेज खुलासा किया, वो किया उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के MLA या इस वक्त उन्होंने लीडर ने मनजिंदर सिंह सिरसा, ये जो दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान सी, तुहानू सारे नू पता है प्रधान रहे ने, कहिंदे उस वेले ये नरेंद्र सिंह तोमर दे नाल मिल के कथित तौर पर पैसा कमाते होंगे सी। सो कहिंदे ये 1000 करोड़ की गल आ, तो मैं सारी गवाही या सारे सबूत पेश करने लई तैयार हाँ। मनजिंदर सिंह सिरसा का भी अगों रिस्पोंस आ गया जो देखिया कि मामला तो हुण गड़बड़ हो रहा। मनजिंदर सिंह सिरसा कहिंदे कहिंदे इस करके मेरे ते इल्ज़ाम ला रहे आ क्योंकि मैं 1984 का मामला बहुत चुकदा, 1984 के कतलेआम का मामला बहुत चुकदा, तो कांग्रेस नूं ये गल पसंद नहीं है। सो इस करके कहिंदे मेरे ते ये सारे झूठे इल्ज़ाम ला रहे हैं, तो मैं इन्हां सारे इल्ज़ामों नूं खारिज करदा। चलो कांग्रेस लाउंदी होनी आ, पर एक बंदा होर तुहाडे ते इल्ज़ाम ला रहा, बल्कि वह भी मंग कर रहा कि मनजिंदर सिंह सिरसा की इनकुआरी होनी चाहिए आ, तफ्तीश होनी चाहिए आ। तो हुण तुसीं देखो इत्थे एंट्री हुंदी आ बिक्रम सिंह मजीठिया की, तुसीं सुन भी सकते हो। इतिहास च पहली बारी कोई इहो जिहा इल्ज़ाम लगे कि गुरु की गोलक का, और गुरु की गोलक है ये नाल किसी तरीके की भी जो ये मिसयूज होया, ये तो सीरियस ते शेमफुल कोई गल कोई नहीं। और ये मैं नहीं आस कर सकता कि देश दे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री ये सही तरीके की इनक्वायरी कराउणगे, तो सुप्रीम कोर्ट मोनिटर्ड होवे क्योंकि इन्हां दी फोटो तो रोज़ आउंदी है उन्होंने। सो ये बड़ा ही खतरनाक गल है, बट ये सारी संगत की भावना तो जरूर आहत हुई है, यदि इनक्वायरी होनी चाहिए एंड इट शुड बी एट द हाईएस्ट लेवल एंड एट द, क्योंकि वो जिहड़ा बंदा इल्जाम ला रहा वो बाहर बैठे या तो किसी इंटरनेशनल फोरम पर हो या सुप्रीम कोर्ट मोनिटर्ड हो, बट सच सामने आना चाहिए। बिक्रम सिंह मजीठिया ने कहा कि ये गुरु घर की बेअदबी आ, बल्कि गोलक का मिसयूज आ। किस तरह गोलक का मिसयूज हुंदा, इस तरह के इल्जाम उन्होंने लाए आ, बल्कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जांच की भी मांग की आ। कहिंदे किसे रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज तो इस दी जांच करवाई जाए, ये गल उन्होंने कही है। हुण जांच हुंदी आ या नहीं हुंदी, पर हाँ इत्थे श्रोमणी अकाली दल नूं भी बुंदा हाथ च लग गया, तो इस तरह कांग्रेस नूं मध्य प्रदेश दे विच, प्रियंका गांधी तो बोली बोली, इस तो अलावा राहुल गांधी ने भी अपनियां कई रैलीज़ दे विच ये मामला हुण चक्किया। वैसे एक गल दसो, तुहानूं सारिआं नूं पता होगा, थोड़ा बहुता भी कितें मामला हो जाए, पैसे का लैण देण हो जाए या कोई वीडियो आ जाए,
कोई सीडी आ जाए किसे तरह का कोई सबूत आ जाए यही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी यही सीबीआई यही इनकम टैक्स भजया जाता घट्टो घट जाके उन्होंने घर के बह जाता उन्होंने बंदियां परिवारों कट्ठे कर लैंदा घेर लैंदा उन्हां दी जांच शुरू कर दिंदा पुछगिछ करनी शुरू कर दिंदा पर इत्थे ईडी कित्थे आ एक नहीं दो नहीं तीन तीन सीडियां आ गईआं नरेंद्र सिंह तोमर ते उहदे मुंडे दीआं ते हजे तक किसे तरह की कोई हलचल नहीं ईडी उत्ते किसे तरह का कोई असर नहीं सो इत्थों ही तो पता लगता कि जिथों तक राजस्थान का सवाल आ छत्तीसगढ़ का सवाल आ वैसट बंगाल का सवाल आ या कोई इस तरह का राज जिथे विरोधी धेरा चाहे पंजाब लै लो उत्थे तां ईडी पहुँच जाती है पर जे कोई अपना मंत्री या उहदा अपना मुंडा किसे इस तरह की सीडी या भ्रिष्टाचार च फस जाए फिर ईडी नूं कुछ नहीं समझ आता फिर उहदी अखां भी बंद हो जांदियां ते कन्न भी बंद हो जांदे आ। विक्रम सिंह मजीठिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आ उस विच उन्होंने पेन ड्राइव फड़ के ये गल कही आ कहिंदे मेरे कोल जिहड़ी ये समगरी आ या ये सैक्सुअल कंटेंट आ एक मंत्री के खिलाफ बहुत एक अहम मंत्री आ और इस मामले नूं हल्के विच ना लिओ बड़ा संजीदा मामला और इस दी जांच होनी चाहीदी आ ते दूसरी उन्होंने गल कही है कि इस कंटेंट नूं देख के या जो भी समगरी इहदे विच आ तुहानूं पता लगेगा कि उस व्यक्ति का शोषण किया गया और इस मंत्री वल्लों किया गया लालचंद कटारू चक की भी उन्होंने याद करवाती कि किस तरह ये मंत्री जो इस ते शोषण करन दे इल्जाम लगे सी पंजाब सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की बल्कि कहिंदे कटारू चक तां भगवंत मान दी पंजाब दे मुख्यमंत्री दी पहली पसंद बन गए ते उस तो बाद कहिंदे ये जिहड़ी मैं हुण पेन ड्राइव दे रहा ये ना होवे कि ये जिहड़े मंत्री है ये दूसरी पसंद बन जाण सो इस ते कोई कार्रवाई होनी चाहीदी आ ते यही मंग वो बार बार पंजाब दे मुख्यमंत्री नूं कर रहे आ कहिंदे केजरीवाल साहब तो आपस च सलाह कर रहे हैं कि जे 12 बजे मजीठिए ने वीडियो जनतक करती फिर आपां की करना ते जेड़े वो वजीर साहब ने वो कह रहे हैं कि जे मजीठिए ने करता तो उत्ते की इल्जाम लाने मतलब मेरे ते पलटवार किवें करना है। देखो मैं गल क्यों लेके आया थोड़े सामने क्योंकि आम आदमी पार्टी का एक तरीका बन गया एक इन्हां दे पहले वजीर साहब जिहड़ी उन्हां दी चीफ मिनिस्टर साहब दे भगवंत मान साहब दे पहली पसंद ने कटारू चक साहब पहली पसंद मैं तां कह रहा एडे सीरीयस एलीगेशन और उस वीडियो नूं उस सारे कारनामे नूं किस तरीके नाल कवर अप कीता तुसीं ते मैं सब जाणदे मैनू भी इह आस आ मैं कोई आस नहीं रखता इन्हों तो ये कवर अप ऑपरेशन वास्ते वो पुरानी सिटी ला देंगे फिर जे मैं देती थोनू इनू भी सिट बिठा देंगे सिट ने लिया के गोलमोल कर कम करना है तो वह सिट पहली वाली है उसकी ड्यूटी ला दियो मगर असलीयत की गल की है कि वह तो पहली पसंद सी तो यह भी मनपसंद ही है जिहड़ा होने वाला मतलब इनू भी खास तौर पर काफ़ी प्रोमिनेंट पोजिशन दित्तियां ने। दूसरी गल उन्होंने कहा कि इस दे विच सारे सबूत आ तुसी इहदी जांच करा लो तुहानू याद होना जदों सुखपाल सिंह खहरा कांग्रेस दे एमएलए ने पंजाब दे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित नूं एक सीडी दित्ती सी ते इह कहा सी कि इहदी पहला जांच करा लो फोरेंसिक जांच करवा लो ते फिर उस मंत्री ते कार्रवाई करो हालांकि उस वक्त जदों सीडी दित्ती सी सुखपाल खहरा ने ना नहीं सी दस्सिया कि मंत्री कौन आ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਈ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਸੀ ਡੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੀ ਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸੇ ਗੱਲੋਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਆ ਮੰਗ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਆ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਬੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਨਾ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਇਸ਼ੂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਇਜ਼ ਆਫ ਸੋਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟ੍ਰਜੈਕਟਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਆਹਾ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸੀਰੀਅਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ, ਪਰ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ, ਹਾਓ ਹੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟਡ। ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਲਾਲਚੰਦ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਖੈਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਕਰੇਂਗੇ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਲੀਵ ਦਿਸ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਹੈਵ ਇਹ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ, ਇਹ ਜਾਂ ਰਾਕਸ਼ਸ, ਇਹ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਡੇਟਰ ਔਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਉਲ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਲੜਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਜ਼ਾਰਤ 'ਚ। ਮਗਰ ਪਹਿਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਫ ਡਾਊਟ ਮੈਂ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਦੈਟ ਯੂ ਟੇਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਅਤੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਿਆ, ਇਹ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਸਾਡੇ @ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੰਧੂ 2959। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਅਸੀਂ ਫਿਲਸਤੀਨ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜਾ ਜੋ ਕਿ ਯਹੂਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਾਪੇ ਹਿਟਲਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਰਾਸਦੀ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਥਾਂ ਦੇਣ 'ਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਹੂਦੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਊਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਉਹ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੈਲਸਟੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਨੈਕਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਰੰਧਾਵਾ।